भूटान के राजधानी थिम्पू से कोरोना वायरस का एक मामला प्रकाश में आने से भारत भूटान सीमांत जयगांव शहर में पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्क्रीनिंग शिविर की आयोजन शुरू किया गया है। अलीपुरद्वार स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष डॉक्टर पूरन शर्मा के नेतृत्व में जयगांव शहर और भारत भूटान सीमाना खुट्टी नंबर 69/4 से 70/1 तक भ्रमण करके स्थिति की जानकारी ली और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दो जगहों पर थर्मल स्क्रीनिंग कार्यक्रम का आरंभ किया गया है। डॉक्टर पूरन शर्मा ने कहा कि भूटान में हाल ही में एक अमेरिका नागरिक को कोरोना वायरस होने की खबर से पश्चिम बंगाल सरकार भी सचेत हो गए हैं। इसकी मद्देनजर रखते हुए सरकार के आदेश अनुसार जयगांव में थर्मल स्क्रीन कार्यक्रम शुरू किया गया है। हर एक भूटान जाने और आने वाले लोगों की जांच किया जाएगा। इसमें संदिग्ध मरीजों को पहले प्राथमिक जांच होगा और यदि संदेह लगने से कलकत्ता रेफर किया जाएगा। ये जयगांव फुनसिलिंग ये बॉर्डरे हमें एक सर्वेलेंस करते होंगे इन द वेक ऑफ डिटेक्शन एक पॉजिटिव पेशेंट अमेरिकन नेशनल भूटने पावा गए तो हमारे निर्देश अनुजाई हमारा आज के सेकेंड हाफ थे स्क्रीनिंग सर्वेलेंस आरम्भ करती एक रेगुलर जो एंट्री पॉइंट और एंट्री पॉइंट मानुष हेटे जेखने एंट्री पॉइंट एक जगह सर्वेलेंस कर এখানে যারা যারা আসবেন ওদের থার্মাল স্ক্যানিং করে আমরা জ্বরের কেস আছে কি না দেখব। জ্বরের কেস যদি থাকে ওদের মুভমেন্ট হিস্ট্রি অন্য কোনো লক্ষণ যদি থাকে কেননা জ্বর সর্দি কাশি তো এমনি অন্য অসুখ হিসেবে হয় খুব রেয়ার করো না কিন্তু একটা গভর্নমেন্টের একটা কেস ডেফিনেশন হয় কী কী লক্ষণ হলে কী কী জগৃষ্টাল এরিয়া থেকে এলে এইটাকে সাসপেক্ট ভাব ওই কেস ডেফিনেশন যদি কোনো মিট করে তাকে আইসোলেশন করার ব্যবস্থা 30 বেডের আইসোলেশন ফেসিলিটি ও কলাকাতা সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে করা হয়েছে ওখানে আমরা এইটা সেকেন্ড হাফ থেকে আরম্ভ হবে আমরা দেখবো অ্যাটলিস্ট মিনিমাম এটা 3 সপ্তাহ তো চলবেই তারপর সিচুয়েশন দেখে আমরা কন্টিনিউ করবো বা বন্ধ করবো।